हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू येवरेट चैनल क्लास ट्वेल्थ बाई एन अकेडमी एम शिवानी शर्मा या मैथ्स एजुकेटर सो बच्चे आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर थ्री मैट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं आओ देखते हैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन इंतजार कर रहा है सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कहता है यार एक्सप्रेस करो इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स एक्सप्रेस करना है ठीक है ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है जिसके थ्रू आपको आंसर मिलेगा राइट तो बच्चा किसी मैट्रिक्स को अगर एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक तो एक एक स्टेप बहुत ध्यान से सुनते चलो सबसे पहला काम आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको जिस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है उस मैट्रिक्स को आप देखिए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए ठीक तो है तो स्टेप नंबर टू फाइंड द ऑफ योर गिवन मैट्रिक्स अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं रोज बने कॉलम तो बेटा फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम ठीक है बच्चा तो हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल लिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम नाउ स्टेप नंबर टू इज टू फाइंड अ मैट्रिक्स पी दैट इज लेट पी मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आप एक पी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और पी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ठीक है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आप करेंगे आपको पी मैट्रिक्स मिल जाएगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप डू रिमेंबर दिस ठीक है भाई आओ जल्दी से पी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो बच्चा पी मैट्रिक्स क्या होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ठीक है मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को एड करना है डायरेक्ट एड कर दू क्या इनका एडिशन पॉसिबल है येस yes, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर की हैं वी कैन ऐड देम कैसे ऐड करते हैं करस्पोन्डिंग टर्म्स आर एडेड टू का एडिशन टू से होगा वी विल गेट फोर फोर का एडिशन सेवन से होगा हमें ग्यारह मिलेगा माइनस माइनस सिक्स सिक्स प्लस प्लस वन वन बेटा आपको क्या देगा माइनस सिक्स प्लस वन आपको माइनस फाइव दे देगा ठीक है सो माइनस सिक्स प्लस वन विल गिव मी माइनस फाइव आगे चलेंगे सेवन प्लस फोर बेटा ग्यारह हो जाएगा थ्री प्लस थ्री आपको सिक्स मिलेगा फाइव माइनस टू हमें थ्री मिल जाएगा माइनस टू प्लस फाइव हमें तीन मिल जाएगा एंड फोर प्लस फोर बच्चा हमको एट मिल जाएगा नाउ हाफ इज अकेलर स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए हर एक एलिमेंट से आपको हाफ मल्टीप्लाई करना है तो आपको पी मैट्रिक्स बेटा क्या मिलेगा हाफ का मल्टीप्लीकेशन कीजिए सो फोर 2 टू 11 टू बच्चा दो होगा माइनस पांच 2, दो चलिए इलेवन बाईन बाई टू हो जाएगा सिक्स बाई टू इज थ्री ठीक है थ्री अपॉइन टू इज थ्री बाई टू इसके बाद माइनस फाइव बाई टू दिस विल बी माइनस फाइव बाई टू थ्री बाई टू यहाँ मिल जाएगा एंड दिस विल बी एट बाई टू जो आता है चार ठीक है दिस इज फोर क्या यार ये पी मैट्रिक्स सबको समझ में आई हमने पी मैट्रिक्स निकाल लिया अब बच्चे आप क्या करेंगे जो आपने पी मैट्रिक्स निकाला है आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे ठीक है चलिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है नेक्स्ट स्टेप में सो पी ट्रांसपोज आओ जरा चेक करते हैं क्या मिलेगा इसका ट्रांसपोज रोज बने कॉलम बेटा फर्स्ट रो क्या बन जाएगी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी ठीक है जी सेकेंड रो क्या बन जाएगी बच्चा सेकेंड कॉलम बन जाएगी ऑल गुड थर्ड रो क्या बन जाएगी बेटा थर्ड कॉलम बन जाएगी शानदार कोई समस्या नहीं है इसमें ठीक है अब जरा यार अपने P पी को ध्यान से देखो क्या है ये क्या ये P मैट्रिक्स के बराबर है टू इलेवन बाई टू माइनस फाइव बाई टू ग्यारह बाई दो तीन तीन बाय दो माइनस अरे वाह ये P डैश तो यार P के बराबर है अगर P ट्रांसपोज P के बराबर है दैट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरी P मैट्रिक्स कैसी है मैं यहां से कह सकती हूं कि पी इज अमिट्रिक मैट्रिक्स पी कैसी मैट्रिक्स है इट इज अमिट्रिक मैट्रिक्स ठीक है तो बच्चा स्टेप नंबर वन क्या करना है आपको जिस भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद आप एक नई मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे विच इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने पी मैट्रिक्स निकाल लेना है राइट right? अब ये जो पी मैट्रिक्स आपने निकाली है आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और आप ये देखेंगे कि पी ट्रांसपोज तो भाई पी के बराबर है मतलब इन शॉर्ट हमारी पी मैट्रिक्स कैसी है इट इज़ अमेट्रिक मैट्रिक्स अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है अब आप एक और नई मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे क्यू विच इज़ इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ठीक है सो क्यू क्या होगा हाफ अब मैं डायरेक्टली माइनस कर देती हूं आप लोग चेक करते चलना साथ में मेरे मुझे इसको इससे माइनस करना है फोर माइनस सेवन विल बी माइनस थ्री फिर से चलेंगे सबके सब माइनस सिक्स माइनस वन -6, -1, कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा? जाएगा। फिर से चलेंगे हो बच्चा फिर चलो फाइव माइनस माइनस टू सब करना है ना तो फाइव माइनस माइनस टू फाइव प्लस टू दैट इज इक्वल टू सेवन हमको क्या मिला हमको मिलता है सेवन फिर चलेंगे सबके सब, के सब. मतलब फिर फिर से से आ जाओ कितना कितना होगा minus 7 होगा बेटा चलिए हो हो जाएगा हो जाएगा so यार ये मेरी कुछ क्यू मैट्रिक्स आ रही है Now ये जो हाफ स्केलर है मेरा इसका हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन में कर देती हूँ तो बच्चा मुझे क्यू मैट्रिक्स क्या मिलेगी मुझे क्यू मैट्रिक्स मिलेगी जीरो माइनस थ्री बाई टू माइनस ठीक है दिस पे बेटा इधर देखेंगे आप दिस लोग मतलब Q मैट्रिक्स लो, का भी बच्चा क्या कर लेंगे उसका भी आप ट्रांसपोज ले लेंगे चलिए जी फटाफट क्यू ट्रांसपोज निकालते हैं कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज रोज बने कॉलम तो बच्चा फर्स्ट रो

माइनस का साइन कॉमन दे देते हैं ठीक है हर एक एलिमेंट से तो माइनस का साइन बच्चा बाहर ले आओ ठीक है तो क्या बनेगा ये दिस विल बी जीरो माइनस थ्री बाई टू माइनस सेवन बाई टू थ्री बाई टू जीरो सेवन बाई टू सेवन बाई टू माइनस सेवन बाई टू जीरो मैंने एंटायर मैट्रिक्स में से क्या किया माइनस का साइन बेटा कॉमन ले लिया ठीक है अब जरा ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या ये दोनों सेम है जीरो माइनस थ्री बाई टू माइनस सेवन बाई टू अरे हाँ अब तो ये बिल्कुल सेम है तो हमको क्या देखने के लिए मिला क्यू डैश तो भैया माइनस क्यू के बराबर है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है क्यू मैट्रिक्स कैसी है बेटा इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है क्यू डैश निकाला फिर कुछ हो नहीं रहा था ठीक है तो मैंने कहा एक काम करो यार तुम एंटायर मैट्रिक्स में से माइनस का साइन बाहर ले लो हर एक एलिमेंट से ठीक है तो आपको कुछ इस तरीके का दिखने लगा अब हम क्या करेंगे बच्चों अब हम अपने मैट्रिक्स 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 और और को ना ऐड ऐड कर देंगे ठीक है वी विल एंड होगा कुछ करिश्मा ठीक है देखते हैं क्या मैजिक होने वाला है ठीक है लेट अस सी क्या मैजिक होगा सो व्हाट इज माय पी मैट्रिक्स सबके सब देखेंगे पी मैट्रिक्स क्या है पी मैट्रिक्स से अपने ये टू इलेवन बाई टू माइनस फाइव बाई टू आप लिखेंगे यहां पे टू इलेवन बाई टू माइनस फाइव बाई टू फिर से चले सबके सब इलेवन बाई टू थ्री थ्री बाई टू इलेवन बाई टू थ्री थ्री बाई टू ठीक है फिर क्या है नेक्स्ट वॉर्ड वी हैव माइनस फाइव बाई टू थ्री बाई टू एंड फोर माइनस फाइव बाई टू थ्री बाई टू एंड फोर ठीक है बेटा ये मेरी पी मैट्रिक्स है प्लस क्यू मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स क्या है बच्चा क्यू मैट्रिक्स इज जीरो माइनस थ्री बाई टू माइनस सेवन बाई टू जीरो माइनस थ्री बाई टू माइनस सेवन बाई टू ठीक है फिर थ्री बाई टू जीरो सेवन बाई टू थ्री बाई टू जीरो सेवन बाई टू उसके बाद में क्या है सेवन बाई टू माइनस सेवन बाई टू सेवन बाई टू माइनस सेवन बाई टू चलो बच्चा फटाफट पट ऐड करते हैं इनको अपन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टू प्लस जीरो इट इज टू इलेवन बाई टू माइनस थ्री बाई टू कितना हो जाएगा देखो दोनों दिस इज इलेवन माइनस थ्री इज चेक करेंगे सबके सब कितना होगा

है ना एंड फोर प्लस जीरो फोर बेटा इसको ध्यान से देखना ये क्या है टू फोर माइनस सिक्स एक बार क्वेश्चन पे चलो टू फोर माइनस सिक्स सेवन थ्री फाइव थ्री फाइव आया है क्या सेवन थ्री फाइव वन माइनस टू फोर वन माइनस टू फोर अरे ये तो ए मैट्रिक्स है तो हमने क्या देखा हमने ये देखा कि भाई पी प्लस क्यू तो ए के बराबर आ रहा है जहाँ पे P मेरा सिमेट्रिक था Q मेरा स्क्यू सिमेट्रिक था तो हमने क्या किया हमने अपने A मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस कर दिया तो ये पूरा इसका प्रोसीजर था तो जिस भी मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक स्टेप नंबर वन उसका ट्रांसपोज निकालेंगे एक पी मैट्रिक्स बनाएंगे विच इज हाफ ए प्लस ए डैश फिर पी को प्रूव कर देना वो सिमेट्रिक है फिर एक क्यू मैट्रिक्स बनाएंगे हाफ ए माइनस ए डैश फिर क्यू को प्रूव कर देना वो स्क्यू सिमेट्रिक है फिर पी एंड क्यू को एड करना आपको ए मिल जाएगा एंड लास्ट में आप लिख देंगे देयर फोर मैट्रिक्स ए इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ